हम गुड फ्राइडे का इवेंजलिज्म कर रहे थे, जो हम ट्रैक्स बांट रहे थे उसमें एक ब्रदर का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था। तो जैसे हम ट्रैक्स बांट रहे थे तो एक अचानक से एक फोन आता है और व्यक्ति फोन करके अपने भगवान का नाम लेकर पूछता है कि तुमको किसने परमिशन दिया। उस ब्रदर के हाथ से मैंने फोन लिया और मैं इस व्यक्ति से बात करने लगा। जब यह व्यक्ति को पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति बात करने वाला है, वो डरता नहीं है इन बातों से, तो उसने तुरंत जो है अपने बात को चेंज कर दिया। पहले बोल रहा था कि आप हमारे मार्केट एरिया में आ गए हो, रेलवे स्टेशन के पास आ गए हो। फिर जब उसको मैं जवाब देने लगा कानूनी तौर पर, तुरंत उसने टॉपिक को चेंज करके एक हिंदू को एंगल डाल दिया कि तुम हमारे मंदिर के सामने आ गए हो, मंदिर का ये मंदिर है वो मंदिर है। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब, अगर आपको लगता है यहाँ पर आसपास मंदिर है तो पाओ कहाँ पर है, हम लोग मंदिर के यहाँ पर एक भी जगह पे प्रचार नहीं कर रहे, आके देखो। जब उसको ये मैंने डायरेक्टली बोला कि तुमको दिक्कत है तो पुलिस स्टेशन में मिलो, उतने में उसने कहा कि मैं सीनियर को बोलूंगा, वो फोन करेगा, आगे से आपसे बात होगी। तो एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, वो कॉल का आप सुनिए। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एनकरेजमेंट मिले कि आपको भी कोई रोक टोक करे, परमिशन मिला, ये मिला, वो मिला, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अधिकार है, हमें संविधान अधिकार देता है। और उससे भी बढ़कर ये प्रभु येशु की आज्ञा है कि हमें सुसमाचार बांटना है। तो प्रभु येशु की आज्ञा को मानने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए और आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि ऐसे लोगों से कैसे बात किया जाए। हो सके तो उस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों भी सीख सके कि ऐसे लोगों का जब कॉल आता है आप उनसे कैसे डील कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, डरिएगा मत, सुसमाचार बांटते रहिए। हेलो, हाँ जय श्री राम। हाँ जय श्री राम, कौन बोल रहे? आप बोला ना, आप इधर कोई कार्यक्रम रखे हो क्या आपने कलवा में? क्या कलवा में कोई कार्यक्रम रखे हो क्या? नहीं। हाँ अभी तो इधर आप सब पर्चा आपका हम लोग के हाथ में आया है। हाँ पर्चा बांट रहे हैं। पर्चा बांट रहे? आप चौकी से परमिशन लियो क्या पर्चा बांटने के लिए? परमिशन का कब लेते हैं? परमिशन कब लेते? आप लोग 10-12 जन हो? हाँ दो मिनट, मेरे भाई से बात करें। हेलो हेलो, यस जय श्री राम। हेलो जय श्री राम, बोलिए। यीशु मसीह की जय। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रचार कर रहे हो इधर अपना कलवा में। हाँ जी। तो आप परमिशन लिए हो आप पुलिस से? हाँ परमिशन वर्मिशन लिया है नहीं है वो बताएंगे हम लोग, लेकिन आप कौन है वो बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम परमिशन भी बताएंगे। फिर मैं आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, हम लोग देखा आपका पर्चा हमारे पास आया। अच्छा तो आप आम नागरिक हैं तो आपको आम नागरिक। हाँ हाँ हाँ, अगर आप आम नागरिक हैं तो आप आम नागरिक के लिए एक जानकारी देता हूँ मैं। ये आम जानकारी ये है कि भारत का संविधान जो है ना, उसमें अनुच्छेद 25 है, उसमें लिखा है धर्म के बारे में प्रचार प्रसार प्रोपोगेट, वो परमिशन लेटर है सबके पास, आपके पास भी, आप भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर रोड पे ऐसा स्पीकर लगाना हो, रैली निकालना हो, तो उसके लिए परमिशन लगता है। धर्म का प्रचार प्रसार के लिए संविधान में अनुमति दिया है हमको। जी। This call is now being recorded. क्या बोले दोबारा बोलिए। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ये रिकॉर्डिंग को कौन से ग्रुप में भेज रहे हो वहाँ पर भेजो और उन सबको बताओ कि सड़क पर प्रचार करने के लिए क्रिश्चियन लोगों को भारत का संविधान अनुच्छेद 25 उसके तहत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए अधिकार है। मैं आपसे ऐसा हिसाब से बात करूँ, आपको कुछ उल्टा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपने ये जो पर्चा बांट रहे हैं जी, तो आप बांटिए ना अभी इधर, मतलब हम लोग इधर कलवा स्टेशन साइड बांट रहे हो, आप एरियम बांटिए अंदर, जैसे मार्केट हुआ स्टेशन पे आप बांट रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसमें कानूनी कोई गलत बात नहीं कर रहे ना हम, कानूनी गलत है तो कुछ बताइए। अच्छा। और बताइए, अगर आपको कलवा पुलिस स्टेशन में आके मिलना है तो फिर मैं मिल लूंगा, अगर कानूनी कोई बात करना हो तो। मैं भी आपको आराम से ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आप प्यार से पूछ रहे हो, मैं भी प्यार से ही बता रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए, हम लोग अभी ये आपके चर्च के सामने हम लोग जाके बोलते हैं क्या कि मतलब प्रचार करते हैं हम लोग अपना? कर सकते हैं, यहाँ पर आपके मंदिर के सामने तो हम कोई प्रचार नहीं कर रहे ना। अच्छा। हाँ मंदिर के सामने थोड़ी कर रहे हैं, एक भी मंदिर के यहाँ पर किया क्या, जरा बताओ कहाँ पर है मंदिर जहाँ पर हम लोग प्रचार किए? आप जहाँ खड़ा हूँ आप देखो, गणेश जी का मंदिर है, बहुत बहुत भगवान का मंदिर है उधर बाजू में, तो आप आ जाइए ना, आप अगर आप यहीं पर आसपास हमें देख रहे हैं तो आप आ जाइए फिर। ठीक है। क्या चीज? हम भी आप जैसे आपके वो थे ना, आपके सामने बोले हमारे भाई से बात करो, मैं भी अपने सीनियर से बात करता हूँ आपके विषय में। ठीक है, बात कराइए, कोई बात नहीं, मैं बात नहीं कराऊंगा, आपके पास फोन आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू।